Hi friends, I am CA Parikshit Bhade. I welcome all of you to this advances verification series. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड लोन किस तरह से चेक करते हैं. So friends, let's begin the topic. सबसे पहले गोल्ड लोन के टाइप आपको मैं बताना चाहूंगा. गोल्ड लोन के टाइप में मैं दो कैटेगरी कर चुका हूँ यहाँ पे. एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड लोन, CCOD और गोल्ड CCOD. मीनिंग दैट एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड लोन मतलब यहाँ पे गोल्ड लोन के अगेंस्ट में, गोल्ड के अगेंस्ट में वन टाइम पैसा दिया जाता है और यू हैव टू रीपे एज पर EMI और बुलेट पेमेंट. ये बुलेट पेमेंट मतलब RBI ने एक स्कीम निकाली है, अगर 2 लाख के रुपए तक लोगों ने गोल्ड लोन तो आप बुलेट पेमेंट कर सकते हो. बुलेट पेमेंट मीन्स ईयरली रिपेमेंट. इसके अलावा अगर इसके ऊपर अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो दैट यू हैव टू पे ऑन EMI बेसिस. ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ बैंकों ने इसके लिए रनिंग लिमिट्स भी लाई हुई है. रनिंग लिमिट्स मीन्स CC और OD. अगर बिजनेस के लिए अगर आप कुछ दे रहे हो, कैश क्रेडिट दे रहे हो, पर उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी अगर गोल्ड ले रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज गोल्ड CC. देन OD अगर पर्सनल नीड से, कुछ अदर पर्पज के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाती है, उसमें भी अगर सिक्योरिटी लेते हैं गोल्ड. सो देर आर टू टाइप्स, वन इज एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड लोन एंड सेकेंड वन इज रनिंग लिमिट, दैट इज CC एंड OD. सो बेसिक डिफरेंस है, एक ही बार दिया जाएगा और उसको आपको EMI पे करना है. EMI एक तो मंथली बेसिस पे हो सकते हैं या फिर बुलेट रिपेमेंट, और सेकेंड हो सकता है CCOD, दैट इज रनिंग लिमिट. आपको जब पैसे की जरूरत है तब आप विड्रॉ कर लीजिए, जब आपके पास पैसे है तब आप भर लीजिए. उसमें भी रिड्यूसिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट भी हो सकती है, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट कम होगी, सो दैट यू हैव टू पे इन कैश, अदर अमाउंट यू कैन रोटेट. सो फ्रेंड्स, नाउ How to check the gold loans? Now, gold loan check करने के लिए यहाँ पे मैंने दो क्राइटेरिया बताया. इस पीरियड में, इस पीरियड का मतलब होता है जो भी अपना ऑडिट पीरियड है. ऑडिट पीरियड में जितने भी गोल्ड लोन दिए हैं आपने वो एक अलग कैटेगरी में सैम्पलिंग कर लीजिए आप, और जो ऑडिट पीरियड में नहीं दिए बट फिर भी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द डेट ऑफ द ऑडिट और एज ऑन 31 मार्च, वो अलग कैटेगरी कर लीजिए. सो फर्स्ट लोन मिलेगा आपको अकाउंट ओपनिंग लिस्ट पे से, और सेकंड मिलेगा अकाउंट ओपनिंग लिस्ट के जो लोन अकाउंट है वो छोड़ के जो कर्ड बुक में अवेलेबल है वो लोन. नाउ ऑडिट सैम्पलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिट मटेरियलिटी. सो हर ऑडिटर ने एक जजमेंट लेना है कि ऑडिट मटेरियलिटी क्या है. ऑडिट मटेरियलिटी की आपको एक लिमिट डिसाइड करके उसके ऊपर के लोन आपको सैम्पलिंग में चेक करना है, उसके नीचे के आप परसेंटेज रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोन चेक करने के लिए आपको ऑडिट मटेरियलिटी डिसाइड करनी है. सो जनरली व्हाट वी डिसाइड इज 2 लाख एंड अबव लोन. अगर आप ब्रांच कोई कर रहे हो तो 2 लाख के ऊपर के लोन हम 100% चेक करते हैं, 2 लाख के नीचे के लोन आप 20% कर सकते हो. बट डिपेंडिंग ऑन द ऑडिट मटेरियलिटी, ईच ऑडिटर हैज डिफरेंट परसेप्शन फॉर द ऑडिट, और उस हिसाब से वो ऑडिट मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे और वो सैम्पलिंग करेंगे. बट फ्रेंड्स, सैम्पलिंग अगर आप कर रहे हो तो सैम्पलिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए. सो यहाँ पे अपना 2 अलग अलग लिस्ट कर रहे हैं, जो इस पीरियड में डिस्बर्स है उसका लिस्ट अलग, डिस्बर्स छोड़ के जो आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट वो भी सैंपल बेस पे चेक करेंगे अपन, तो वो लिस्ट अलग. नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सबसे पहले आपको गोल्ड लोन के लिए जो एप्लीकेशन है, जो बोरोवर ने एप्लीकेशन दिया है वो सब प्रॉपरली फिल हुआ है नहीं हुआ है, बैंक के फॉर्मेट में है नहीं है, वो चेक करना है. DP नोट मतलब डिमांड प्रोमिसरी नोट, दैट आई विल देन प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ कंसेंट एंड सेट ऑफ, ये सब बैंक के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स है. देन गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट, गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट मतलब गोल्ड, हर बैंक का एक गोल्ड वैल्यूअर होता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वैल्यूअर जो भी अपने गोल्ड ऑर्नामेंट अपने दिए वो कितने ग्रॉस वेट है, नेट वेट कितना है उसका, बैंक का रेट कितना है और मार्केट रेट कितना है, इस तरह से पूरा वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देगा. उस पे वो उसका सील लगाएगा और साइन करके देंगे और ये बताएंगा वो कि ये पूरा जो गोल्ड मॉर्गेज किया हुआ है उसका वैल्यूएशन कितना है. KYC ऑफ द बोरोर ये है नहीं रिकॉर्ड पे आपको देखना है. जनरली गोल्ड लोन जो है ये सेविंग अकाउंट कस्टमर को दिए जाते हैं, और अगर गोल्ड लोन दे रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट साथ में ओपन करते हो तो KYC सेविंग अकाउंट में अगर कंप्लाइड है देन इट इज ओके. देन रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम लोन अमाउंट, आपको ये चेक करना है. अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नाउ स्टार्टेड एग्रीकल्चर गोल्ड लोन ऑल्सो, सो एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में उन्होंने लिमिट दी है 3 लाख रुपए,
तो 3 लाख रुपए तक के जितने लोन है वो आएंगे एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में. सो और इन दैट केस ऑल्सो दैट बोरोर इज ऑल्सो हैविंग 7/12 एक्स्ट्रा इन हिज नेम. सो यहाँ पे अपने को देखना है रिस्ट्रिक्शन कितना है. सो हर बैंक का एक अलग अलग पॉलिसी होता है एडवांस अगेंस्ट गोल्ड लोन कितना देना चाहिए. अगर वो एग्रीकल्चर में आ रहा है तो एग्रीकल्चर के क्या रिस्ट्रिक्शन है वो, अगर सीसी ओडी लिमिट दे रहे हो तो कितना मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है, तो वो जो अमाउंट है दैट विल बी अवर रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम अमाउंट. उसके अगर अगर किसी को लोन दिया है तो दैट विल गो इन अ एडवर्स कमेंट्स. देन मार्जिन, मार्जिन हर बैंक का अलग अलग होता है. जनरली आइडियली 20-25% मार्जिन होता है, कोई कोई केस में 30% भी मार्जिन लेता है. सो हर बैंक ने ये मार्जिन कंसिडर करते हुए एक जो बोरोवर का जो वैल्यूएशन का रेट है वो डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर 50,000 चल रहा है तो हर बैंक ने एक अपना रेट डिसाइड कर लिया है कि जो मार्जिन कंसिडर करते हुए व्हाट वी कैन ऑफर मैक्सिमम. सो कुछ बैंकों ने रेट कर दिया 37,000, कुछ बैंकों ने कर दिया 42,000. सो दैट इज अ मैक्सिमम रेट ऑन विच यू कैन गेट अ गोल्ड लोन. मीनिंग दैट अगर आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है इन टू भाव चल रहा है 50,000 का, तो 2.5 लाख का आपके पास गोल्ड है. बट बैंक विल नॉट कंसिडर दिस एज अ 2.5 लाख गोल्ड. बैंक का रेट अगर सपोज 40,000 तो बैंक विल कंसिडर 2 लाख रुपीज और आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक. सो आपको देखना है जो मार्जिन बैंक ने जो रेट डिसाइड किया वो हिसाब से लोनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर लोनिंग नहीं हो रहा है तो वो जो मार्जिन वॉयलेशन है वो आपको रिपोर्ट करना है. देन स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली है हाइपोथिकेशन की, प्लेज की, क्योंकि गोल्ड जो है आपने वो अपने पास कस्टडी में रखा हुआ है. सो यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी एज पर हाइपोथिकेशन. देन सीसीओडी अकाउंट है, तो कुछ बैंकों में ये लिमिट हर साल रिन्यूअल होना चाहिए, तो आपको चेक करना है कि रिन्यूअल के पेपर सही नहीं है. रिन्यूअल्स अगर रिकॉर्ड पे नहीं है तो आपको बताना है कि लिमिट इज एक्सपायर्ड. बट कुछ बैंकों में ये लिमिट है 3 साल, तो 3 साल तक कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता. तो आपको देखना है बैंक की पॉलिसी क्या है, लिमिट कितना है उसका, 1 साल या 3 साल है. जो भी लिमिट है उसके बाद वो लिमिट एक्सपायर्ड हो जाएंगी, और वंस यू कॉल्ड द लिमिट इज एक्सपायर्ड उसके बाद रिन्यूएशन करना जरूरी है. तो मोस्ट ऑफ द बैंक में मैं जाता हूँ तो चेक करते हम ऐसा ऑब्जर्व होता है कि गोल्ड सीसी और ओडी अकाउंट्स ये रिन्यूअल नहीं होते. देन जो गोल्ड लोन लिया है और जो गोल्ड बोरोवर ने रखा है अगर उसमें कुछ लेडीज के ऑर्नामेंट्स है, मंगलसूत्र, स्त्रीधन, ऐसा कुछ अगर है तो वहां पे लेडीज का कंसेंट लेना जरूरी है. बिकॉज बाद में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो बैंक कैनॉट हैव अ चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर असेट्स अगर लेडीज का कंसेंट नहीं है तो. सो फ्रेंड्स ओवरऑल आपको ये गोल्ड लोन के लिए देखना है गोल्ड का वैल्यूएशन बराबर है या नहीं वो चेक करना है आपको. गोल्ड वैल्यूएशन सर्टिफाइड अपने वैल्यूअर ने किया है नहीं किया है, मार्जिन बराबर रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है, लेडीज का अगर है तो कंसेंट है नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकते हैं बैंक वो देखना आपको, स्टैम्प ड्यूटी ली है नहीं लिए, और इसके साथ में जो बैंक के प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर साइन विन है क्या नहीं. देन कमिंग टू द गोल्ड, व्हाट आई सी दिस 4 और 5 पॉइंट्स व्हाई आई हैव मेंशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. वन इज गोल्ड बैग सीलिंग मेथड. फ्रेंड्स गोल्ड बैग जो है ये सील होना चाहिए. जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट अपन देते हैं वो गोल्ड ऑर्नामेंट सील होना चाहिए. सील होते वक्त बैंक का एक पॉलिसी होता है, वो पॉलिसी चेक करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू सील. सो सीलिंग के लिए एक आइडियल प्रोसीजर आपको समझना है उनकी, पहले तो सबसे पहले बैंक जो कर रही है वो समझना है. देन वॉट वी हैव टू सी कि वॉट इज कंपेयर्ड विद द आरबीआई गाइडलाइन वो मैच हो रहा नहीं हो रहा. नॉर्मली गोल्ड वैल्यूअर हैज टू कम इन अ बैंक, वैल्यूएशन इज टू बी डन इन फ्रंट ऑफ द बैंक ऑफिसर, गोल्ड वैल्यूअर एंड द पार्टी. देन ऑल द गोल्ड ऑर्नामेंट हैज टू बी कीप्ड इन अ प्लास्टिक बैग और अ दैट क्लॉथ बैग. द बैग हैज टू बी मेंशन विद द लिस्ट ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट इन इट. दैट बैग हैज टू बी सील्ड इन फ्रंट ऑफ वैल्यूअर, बैंक मैनेजर और बैंक ऑफिसर एंड द पार्टी, एंड द टैगिंग हैज टू बी डन बाय दिस सीलिंग मेथड. और वो सील उस तरह से रखने के बाद वो
जो कस्टडी है गोल्ड की वो कस्टडी दी जाएंगी बैंक ऑफिसर के पास। तो ये मेथड फॉलो हो रही है नहीं हो रही वो चेक करो। जब भी गोल्ड विड्रॉ होगा तब भी ये तीन लोगों को साथ में आना पड़ेगा, वो सील प्रॉपर जिस तरह से सीलिंग हुआ था बैंक का जो स्टैंप लगाया था वो सीलिंग उसी तरह से है क्या नहीं वो चेक करना है आपको, और तीनों लोगों के सामने वो वैलिड पंचनामा होगा और वो बैग ओपन होंगे। मीनिंग दैट कि अगर कुछ फ्रॉड होता है तो नो वन कैन कंप्लेन कि भाई ये गोल्ड मेरा था या नहीं था, क्योंकि गोल्ड हुआ था सीलिंग हुआ था पार्टी के सामने, वैल्यूअर तब था और ऑफिसर था। अगर सपोज वैल्यूअर नहीं है तो वैल्यूअर कैन वेरी वेल से दैट कि जब मैंने वैल्यूएशन किया तब ये प्रॉपर गोल्ड था, बट बैंक ऑफिसर और पार्टी ने बाद में गोल्ड चेंज किया होगा। सो टू अवॉइड दिस कंप्लेंट इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस, सो गोल्ड सीलिंग मेथड इज प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई गाइडलाइंस और वो उसी तरह से होना चाहिए। कुछ केसेस में हमने देखा है कि गोल्ड वैल्यूअर जो है बोरोवर जो है वो गोल्ड बैंक में लेके आता है, देन बैंक का प्यून वो गोल्ड वैल्यूअर के पास लेके आता है, वहां पे वैल्यूएशन कराता है, फिर से लाता है वो, फिर सीलिंग करता है और वो बैंक के पार्टी में, वहां पे पार्टी की साइन भी नहीं लेता। सपोज इस केस में अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है तो पार्टी कैन से दैट कि जो मैंने गोल्ड लिया था वो ओरिजिनल था और ये बैंक की जो प्रोसीजर थी इसमें कुछ ना कुछ लैप्सेस था और कुछ ना कुछ गड़बड़। सो फ्रेंड्स, गोल्ड बैग सीलिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से सील हो रहा है आपको चेक करना है और उसकी पूरी प्रोसेस नोट डाउन कर लेनी है कि प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही। देन गोल्ड ऑर्नामेंट रजिस्टर, ये ऑर्नामेंट रजिस्टर भी प्रिस्क्राइब है। यहाँ पे आपको कौन गोल्ड लोन नंबर क्या है आपका, पार्टी का नाम क्या है, बैग का नंबर क्या है और कौन कौन से गोल्ड ऑर्नामेंट रखे हैं, उसका वेट कितना है, वो सब कुछ इसमें मेंशन है। सो दिस इज गोल्ड ऑर्नामेंट रजिस्टर, ये ऑर्नामेंट वाइज बनता है। देन गोल्ड बैग रजिस्टर, दिस इज ओनली अ रिकॉर्ड कि भाई ओपनिंग में कितनी गोल्ड बैग्स थी, इस डे में कितने गोल्ड बैग ऐड हुई, देन कितने लोगों का लोन रिपेड हुआ और क्लोजिंग बैग कितना। तो दिस इज गोल्ड बैग रजिस्टर। जब भी आप ऑडिट करेंगे तब गोल्ड बैग वेरिफिकेशन करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आपको मैच करना है कि जो गोल्ड बैग रजिस्टर का जो स्टॉक है दैट हैज टू बी मेंटेन, दैट हैज टू बी मैच विथ योर कट बुक, मतलब जितने पार्टियों के लोन आपके डेट पे उस ऑडिट के डेट पे आउटस्टैंडिंग है उतने लोगों की उतनी बैगें करस्पॉन्डिंग मैच होना। अगर नहीं मैच है डिस्क्रिप्शन सी से कुछ तो आपको मेंशन करना है, उसका रीजनिंग फाइंड आउट। देन गोल्ड वैल्यूअर बैंड, गोल्ड वैल्यूअर बैंड है नहीं है वो आपको देखना है कब तक वैलिड है, उसका श्योरिटी अमाउंट लिया है नहीं लिया है। अगर गोल्ड वैल्यूअर का बॉन्ड अगर एक्सपायर्ड हो गया तो आपको वो लिखना है कि गोल्ड वैल्यूअर बॉन्ड इज एक्सपायर्ड, और अगर एक से ज्यादा गोल्ड वैल्यूअर है तो रोटेशन बेसिस पे अगर प्रॉपरली हो रहे नहीं हो रहे वो चेक करना है कि पर्टिकुलर एक ही गोल्ड वैल्यूअर कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेजर गोल्ड लोन का प्रॉब्लमेटिक एरिया है यहाँ पे फ्रॉड काफी हो सकते हैं अगर गोल्ड वैल्यूअर ने अगर प्रॉपरली ड्यूटी नहीं मेंशन की, या फिर गोल्ड वैल्यूअर और बोरोवर ये दोनों ने कोलिजन कर दिया, या फिर तीनों में से अगर किसी भी दो पार्टी का अगर कोलिजन है तो गोल्ड लोन में फ्रॉड हो सकता है। और जहां पे गोल्ड लोन ये एक बिग पैरामीटर है, सो मैं यहाँ पे सबको सजेस्ट करूंगा कि आपने कुछ गोल्ड बैग फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। बैग्स तो 100% वेरीफाई करना है आपको, उसका अंदर का कंटेंट भी आपने सैंपल बेस वेरीफाई करना चाहिए। वो किस तरह से करना चाहिए, जिस भी पार्टी का आपको गोल्ड आपको जो वेरिफिकेशन कर रहे हो आप, तो आप 5 पार्टियों को फोन करिए और उनको लेटर दीजिए कि भाई आपका गोल्ड हमको चेक करना है। डिपेंडिंग ऑन द योर सैंपल, वैल्यूअर को बुलाइए, पार्टी को बुलाइए, बैंक मैनेजर को बुलाइए जिन्होंने सेलिंग किया था, तीनों के सामने वो गोल्ड ऑर्नामेंट की बैग आपको निकालनी है, उसका वैल्यूएशन आपको फिजिकली चेक करना है जिस तरह से जिस दिन ओरिजिनल हुआ था उसी मेथड से आपको चेक करना है, और आपको ये कंफर्म करना है कि जो गोल्ड बैग में रखा हुआ है इट इज प्रॉपर। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको डाउट आता है तो आप सेकंड वैल्यूअर को भी बुला सकते हो बैंक में, ओरिजिनल वैल्यूअर जिसने वैल्यूएशन किया उसको भी और सेकंड वैल्यूअर को भी। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे गोल्ड लोन ज़्यादा है वहाँ पे आपको कंट्रोल रखना काफ़ी ज़रूरी है, और कंट्रोल रखने के हिसाब से आपको कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट के बैग्स भी चेक करने, बट मेथड आपको यही फॉलो करना है कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू ओपन एनी गोल्ड बैग डायरेक्टली। उस केस में आपको वैल्यूअर को भी बुलाना है, बैंक ऑफिसर को भी बुलाना है और बोरोअर को भी बुलाना है, और उनके सामने सब मेथड होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड लोन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर इस ईमेल आईडी पे आपकी क्यूरीज कर सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल
request all of you to subscribe my channel and like my videos and share the videos and keep continue watching my videos. Thank you, friends. Thank you.